सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हो सारे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं व्हाट्सएप टाइपिंग इंस्टाग्राम के वायरल फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। सो गाइस इस वीडियो में जोन सा बैकग्राउंड एंड PNG यूज करने वाला हूँ, सबका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। और गाइस अगर आपकी वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो किस तरह का लगा। और गाइस अगर इस चैनल पर नए हो, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए गाइस अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको अपना पोज कुछ इस तरह से क्लिक करना है, देन इस फोटो का हम बैकग्राउंड एड करेंगे। सिंपली इसे शेयर पे क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो गाइस ये हमारा मॉडल पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन हो गया है। सिंपली इसे जाएंगे टूल्स में और प्री क्रॉप, इस पर इस तरह से ब्रश फेरेंगे और इसका बैकग्राउंड इरेज कर देंगे। तो गाइस ये हमारा मॉडल का बैकग्राउंड इरेज हो गया है। सिंपली इधर से जाएंगे डॉट टूल में और थ्री डॉट पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेंगे। देन गाइस फिर हमें ओपन करना है ये बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप सिंपली वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। और गाइस इस बैकग्राउंड को शेयर पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। सो गाइस ये हमारा बैकग्राउंड पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन हो गया है। सिंपली इस पर ऐड करेंगे अपने मॉडल को, इधर से जाएंगे ऐड फोटो में और अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। सो गाइस ये हमारा मॉडल आ गया है, सिंपली इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। तो गाइस ये एडजस्ट हो जाने के बाद सिंपल इसे कर देंगे डन। तो गाइस फिर से हम ऐड फोटो में जाएंगे और एक मोबाइल PNG लाएंगे। ये इस PNG गाइस हम रखेंगे इस तरह से अपना हैंड पर। देन गाइस इधर से कर देंगे डन। तो गाइस फिर से ऐड फोटो में जाएंगे और एक ये PNG लाएंगे। इस PNG को हम रखेंगे इस तरफ से। देन इसे कर देंगे डन। देन गाइस हमें फिर से एड फोटो में जाना है, देन हमें टू ई वाली PNG सेलेक्ट करनी है टू टाइम, देन इसे ऐड कर लेंगे। सो गाइस एक PNG को साइड में रखेंगे, देन इस PNG को इधर जाएंगे एडजस्ट में और ह्यू में जाकर इसे कलर चेंज कर देंगे। देन गाइस अब इसे ब्लेंड पर जाएंगे और कर देंगे स्क्रीन। सो गाइस इसे हम सेट करेंगे अपने व्हाट्सएप पर, जो हमारा व्हाट्सएप मोबाइल में से निकल रहा है इस तरह से। देन इसे कर देंगे डन। सो गाइस फिर से एड फोटो में जाएंगे और एक ही वाली PNG और ले आएंगे। सिंपल इसे जाएंगे ब्रांड पर, कर देंगे स्क्रीन। देन गाइस इसे भी एडजस्ट में जाएंगे और ह्यू में जाके इसका कलर ग्रीन कर देंगे। देन इसे इसे इस तरह से रखेंगे और इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे इतना। इसे कर देंगे डन। सो गाइस हमें फिर से एड फोटो में जाना है और एक ये वाली PNG सेलेक्ट करनी है। इस PNG को हम इधर से जाएंगे ब्लाइंड पे और कर देंगे मल्टीप्लाई। सो गाइस इस PNG को हमें रखना है इस तरफ। जो एक्स्ट्रा पार्ट रहा उसे इरेज कर देंगे, जैसे इरेजर पर जाएंगे। देन गाइस हमें साइड साइड का पार्ट इस तरह से इरेज करना है। सो गाइस इधर से कर देंगे डन, देन जैसे का पार्ट डन। देन गाइस हमारी फोटो पिक्सआर्ट का काम तो कंप्लीट हो गया है। सिंपल इधर जाएंगे ड्रॉ टूल में और थ्री डॉट पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेंगे। देन गाइस ओपन करेंगे अपने Lightroom एप्लीकेशन में। सो गाइस हमारा फोटो Lightroom एप्लीकेशन में ओपन हो गया है। सिंपल इस पर हल्की सी कलर एडिटिंग करेंगे, देन सबसे पहले जाएंगे इधर से लाइट वाला आइकन पर, ब्लैक को बढ़ाएंगे, देन वाइट को बढ़ा देंगे इस तरह से,
सॉरी गाइस, वाइट को इतना करेंगे, देन शेडोज को कम करेंगे इस तरह से, कंट्रास्ट को बड़ा कम करेंगे इस तरह से। देन गाइस अब जाएंगे नीचे वाले टूल पर, ऊपर से मिक्स, इधर से ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके ऑरेंज कलर की ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे, देन सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा देंगे इतना। सॉरी इधर से कर देंगे डन। देन गाइस इस फोटो की सैचुरेशन को हम हल्का सा कम करना है। सो गाइस अब जाएंगे नीचे वाले टूल पर, क्लियर टूल को हल्का सा बढ़ा देंगे इतना। देन गाइस अब जाएंगे नीचे वाले टूल पर, शार्पनेस को बढ़ा देंगे, नॉइज डिटेक्शन, देन कलर नॉइज डिटेक्शन को बढ़ा देंगे। सो गाइस ये हमारी फोटो एडिट हो गई है। सिंपली आपको दिखाता हूँ, पिक्सार्ट में कुछ इस तरह की थी, देन लाइट रूम बनने के बाद इस तरह की हो गई है। सो सिंपली गाइस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, देन इस फोटो को सेव कर लेंगे। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए हैवी नाइस डे, मौज उड़ाओ।